अधिकार पार्टी अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखती है, इसलिए ये जो नीति केंद्र सरकार ने लाया इसको वापस लेना होगा उनको। अब बिहार को रिजर्वेशन देना पड़ेगा 50% एडमिशन। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त हम पटना कॉलेज के अंदर मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो महाधरना कर रहे हैं। आखिर रीजन क्या है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके से क्यों महाधरना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इमाम हो गया। क्या कारण है महाधरना करने का? महाधरना नई शिक्षा नीति के खिलाफ और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन के और PhD में धांधली वगैरह हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने का और डिक्टेटरशिप लाने का, जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कानून बदलने का जो भी काम किया जाए उसके खिलाफ हम लोग, उसके मुखालफत करते, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन। क्या लग रहा है, कब से हो रहा है? छात्रों के खिलाफ काफ़ी दिनों से ये हम लोग के प्रताड़ित करने का और तोड़ने का काफ़ी दिनों से जो केंद्र सरकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, विश्वविद्यालय का षड्यंत्र और राज्य सरकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन हम विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम दल और जन अधिकार छात्र परिषद के साथ सभी साथी मिल के इस जो शिक्षा व्यवस्था है इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन नाम हुआ। क्या मांगे सरकार से? हम ये की मांगे स्पष्ट है कि जो CBCS सिस्टम लाए हैं आप उसको वापस लीजिए, क्योंकि यह नया शिक्षा नीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ खिलवाड़ है और इस सिस्टम के तहत जो एजुकेशन में डीपली लोग छात्र पढ़ाई करते थे, किसी चीज़ का गहन अध्ययन करते थे, उस सीरियसनेस को ख़त्म कर दिया गया है। और आप जिस तरीके से जो नया पॉलिसी है UGC का, UGC के नया पॉलिसी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड नहीं हो वहाँ से जो स्टूडेंट PhD करेंगे उनको प्रोफेसर की बहाली में बहुत कम मार्क्स दिया जाएगा। तो बिहार में ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसको A+ ग्रेड है, समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं यह अडानी अंबानी जो विश्वविद्यालय कॉलेज खोल करके बैठे हुए हैं और A+ ग्रेडिंग लेकर के बैठे हुए हैं, उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को फायदा पहुंचाने का यह सरकार के द्वारा कोशिश हो रहा है और जो मिडिल परिवार और आम गरीब परिवार के जो बच्चे पढ़ते थे उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। क्या लगता है, धरना करने से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा और ये जन अधिकार पार्टी का धरना है और जन अधिकार पार्टी अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखती है, इसलिए ये जो नीति केंद्र सरकार ने लाया है और शिक्षा केंद्र के मंत्री ने जो नीति लाया है इसको वापस लेना होगा उनको। अब बिहार को रिजर्वेशन देना पड़ेगा 50% एडमिशन। जी, क्या लगता है, सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनोगी तो क्या करने वाले आगे? आगे हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे और अपने मांग के लिए अभी एक छोटा सा हम लोग पूरे बिहार में अपना इंफॉर्मेशन पूरा पहुंचाने के लिए यहाँ पे छोटा सा धरना रखे हैं और यहाँ से पूरे बिहार के छात्रों को हम लोग जगाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बहन बेटियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, 4 साल ग्रेजुएशन करके उसको और सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और फी इसका 16,000 रुपया है, तो एक कतई सही नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, ना डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, ना अच्छे शिक्षक हैं, ना टाइम पे क्लासेज होती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं और हर वर्ष बिहार सरकार फीस में बढ़ोतरी करती है, ऐसा कतई सही नहीं है। हम लोग बहुत जल्द राजभवन का घेराव करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बोल रही थी कि क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा या धरना से कुछ फ़ायदा होगा, उस समय जिस समय भारत जो अंग्रेज़ों के थी, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय क्या भारत के लोगों को लगता था कि भारत जो है आज़ाद हो सकता है? लगता था। लेकिन गांधी जी जैसे व्यक्ति और गांधी जी जैसे ना जाने कितने व्यक्ति आए जो भारत को आज़ादी की राह दिखाई, उसी तरह से हम लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं और पूरे बर्बरता से हम अपनी बात रख रहे हैं सरकार के सामने और इस आंदोलन का फायदा जो है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये आंदोलन पूरे देश में एक क्रांति लेके आएगी और पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को जो है न्याय दिला के मानेगी ये आंदोलन। आपकी मांगे बताइए। देखिए, हमारे भाइयों ने बता दिया जो हमारे शिक्षा की इस पे मांगे हैं, जो कि आपको पता है कि केंद्र सरकार के कान में जुए गूंजती है, उनको वो बहरी गूंगी सरकार है, उनको सिर्फ काम है पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना।
यहाँ पे जो विश्वविद्यालय में लोग जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरीके से मोदी जी की नीति चल रही है कि अंबानी अडानी को इससे फायदा मिले, विश्वविद्यालय पे ताला लग जाए, इसके खिलाफ आज हम लोग एक छोटी आपकी मांग कौन से सरकार से है, राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार? हमारी केंद्र सरकार से मांगे और राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा। दोनों से मांगे है कि उनसे दरखास्त करें कि केंद्र सरकार इसको रोके। अगर आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे धरना दिए, ये हमारी चंद शुरुआतें हैं, जिस तरह से हमारे भाई ने बोला कि अगर नहीं मांगे को वापस लिया जाएगा तो हम राज्य भवन का घेराव करेंगे। मांगे पूरी करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? अभी धरना हुआ है, फिर आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, विश्वविद्यालय गेट जाम होगा, बहुत सारा है। अभी तो शुरुआत हुआ है, नहीं हो अगर ज्यादा नहीं होगा तो अशोक राजपथ जाम, पुलिस लाठी चार्ज भी करती है, डर नहीं लगता? ये हम लोग का पुराना, हम लोग का फेसबुक प्रोफाइल पे देखे, हिस्ट्री देखे, हम लोग का पुराना का चलते आ रहा है, कुछ नया नहीं है। हम लोग इसके आदी हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। और अच्छाई के लिए लड़ रहे, तो नहीं है कि अपना शौक के लिए लाठी खाने जा रही, तो अच्छाई के लिए हो रहा है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, थोड़ी देर पहले आपको मेरे साथी ने बताया, पूछिए उनसे कि आप इस मांग को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जन अधिकार छात्र परिषद मात्र एक छात्र परिषद, ऐसी परिषद है जो विश्वविद्यालय में हो रहे छात्राओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ किसी भी अन्याय पे लड़ता है। उसके लिए हमें अपना खून देना पड़े, अपना पानी देना पड़े। हम पहले भी देते आए हैं और हम आगे भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो नया शिक्षा नीति आया है उसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हम आज यहाँ पे धरना दिए हैं, कल हम रोड जाम करेंगे और परसों राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। पूरा हम लोग के साथ छात्र संगठन को एकत्रित करके हम सभी लोग इस मांग को वापस करने का मांग करते हैं सरकार से। तो आपने देखा सभी लोगों का मांग क्या है, इनकी 5 सूत्री मांगे हैं, तो आपने लोग ने सुना इनकी मांगे क्या कुछ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज 24 के साथ। मैं परत अक्सर पटना।